पुरुर्वा। प्रणाम बनाना श्री। जिनके अपमान का प्रतिशोध ले रहा हूं, जिनके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, शिव सती ने जिनके सम्मान को आहत किया, उन्हें पुनः मान दे रहा हूं। और उन्हें परनाना श्री ने मुझ पर परनाना के प्रतिशोध में इतना दृष्टिहीन हो गए कि दुख के बीज को विशाल वृक्ष बना दिया। परनाना की कथा तो सुन ली किंतु उससे सीख नहीं ली। शिव शक्ति को भिन्न करना पाप है पाप। बस परनाना दक्ष, चाहे तो अपनी तलवार से मेरा शीश मेरे धड़ से पिट कर दीजिए, किंतु आज मुझे रोकने की चेष्टा मत कीजिएगा। आज आपके अपमान का प्रतिशोध लेकर रहूंगा मैं, और आदि शक्ति के जाने से संसार से स्त्री शक्ति विलुप्त हो जाएगी। उसका भार उठा पाओगे तुम। संसार का जो हो सो हो, स्त्री शक्ति सृष्टि से विलुप्त हो तो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पुरुर्वा, दुख तो हो रहा है मुझे, तुम्हारी स्थिति विद्वान होकर भी वास्तविकता को समझ नहीं पा रही है, और कदाचित मैं भी तुम्हें नहीं समझ पाऊंगा। महादेव, एक प्रयास आप कीजिए। हाँ महादेव, ये जो करने जा रहे हैं उसके परिणाम का बोध कराइए इन्हें, ताकि पुरुर्वा जैसे पुरुषों को स्त्री शक्ति के अस्तित्व का बोध हो सके। क्या है? देवराज, जाइए और एक ऐसी स्त्री को ढूंढ कर लाइए जो अपनी संतान को दुग्धपान कराती हो। जो जो आज्ञा महादेव। पता नहीं देवराज कब आएंगे अपना कार्य पूर्ण करके। सावधान देवराज इंद्र, मेरे रहते तुम ऐशी के पुत्र का कुछ नहीं कर पाओगे। देवराज इंद्र, ये मेरे कठोर तप और सिद्धि से निर्मित सुरक्षा घेरा है, इसे तुम कदापि भेद नहीं पाओगे। शुक्राचार्य, देवराज इंद्र को आज कोई चक्र नहीं रोक पाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे वज्र के साथ वो दिव्य शक्ति जुड़ गई है जो हर बाधा को तोड़ने में सक्षम है। नहीं, आज ये देवराज इंद्र किसी के रोके नहीं रुकेगा। इस महिषासुर की अजन्मी संतान का अंत होगा आज, अंत होगा आज, अंत होगा आज।
क्षमा चाहते हैं देवी, आपको इन परिस्थितियों में बुलाना पड़ा। इस तराजू के इस पलड़े पर बैठ जाइए। जानते हो पुरुरवा, एक स्त्री का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? ममता। और आज वही ममता इस तराजू के एक पलड़े पर बैठी है, और इसी तराजू के दूसरे पलड़े पर तुमसे जो बन पड़े, धर्म, दान, पुण्य, कर्म हो या बल, सब उस पलड़े पर रख दो, उसे झुका कर दिखाओ। एक स्त्री के पलड़े को झुकाना है, बस इतनी सी बात। लीजिए, अभी झुकाता हूं। त्याग दो पुरुरवा, मान जाओ मेरी बात। ऐसे कैसे मान जाऊं मैं, एक साधारण स्त्री और उसके बालक का भार मेरे बल से ज्यादा कैसे हो सकता है? ये छल है शफका, माया है महादेव की, लेकिन इस माया का तोड़ है मेरे पास। मैं पुरुरवा यहां स्थान पे तीनों लोगों के भार का आह्वान करता हूं। बल और तीनों लोगों का भार झुका तो क्या, हिला भी नहीं पाया ममता के पलड़े को। अब तो मान जाओ कि संसार में शिवत्र और स्त्रीत्व से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ये बल नहीं, छल है, महादेव का छल। शिव तो सत्य और माया से परे हैं, जिसे आप छल कह रहे हैं यही तो सत्य है। और शिव सत्य ही तो हैं और कुछ नहीं। यदि सत्य है तो प्रमाणित कीजिए। We'll be right back.
हमारी शक्ति जगत जननी इस संपूर्ण संसार की देवी से जुड़ा ये पुष्प मैं इन माता को अर्पित करता हूं। भी समय है संसार की हर शक्ति एक और स्त्री शक्ति का हर रूप एक और हर इस शक्ति की पूजा करनी चाहिए आराधना करनी चाहिए सामना करना चाहिए ना कि उसकी विलुप्ति का कारण बनना चाहिए। राजन पुरु रवा, प्रजापति दक्ष के कहने पर मैंने आपको समझाने का एक प्रयास किया, परंतु अपनी पुत्री के दुख का कारण उसके अधूरे विवाह का कारण हम नहीं बनना चाहते। इसलिए शिव की पार्वती देह अवश्य त्यागेंगी, देह अवश्य त्यागेंगी, देह अवश्य त्यागेंगी। दिया हुआ वचन अवश्य निभाएंगी। चली जाएंगी इस संसार से। और रही बात बाकी की स्त्री शक्तियों की, तो मैं रोकूंगा उन्हें। नहीं पिताश्री, यदि मां नहीं रुकी तो मैं भी नहीं रुकूंगी। अपनी देह त्याग दूंगी, अपनी देह त्याग दूंगी, अपनी देह त्याग दूंगी। और आप मुझे नहीं रोकेंगे। हाँ महादेव, यदि देवी पार्वती नहीं रुकी तो मैं भी अपना अस्तित्व त्याग दूंगी। हम भी अपना देह त्याग देंगे, 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 हम भी अपना देह त्याग देंगे। रोक लीजिए देवी पार्वती को महादेव। यदि स्त्री शक्ति को बचाना चाहते हैं हमारे, तो रोक लीजिए देवी पार्वती को। भावनाओं में बहकर इस संपूर्ण संसार के भविष्य को दांव पर मत लगाइए। ये शिव आप सभी से आग्रह करता है, मत जाइए इस संसार को छोड़कर। ये मेरी विनती है। नहीं पिताश्री, ऐसा मत कीजिए। मत रोकिए हमें महादेव। हम आपके आग्रह की अवहेलना नहीं कर पाएंगे। जगत कल्याण का मार्ग सरल नहीं होता है,
इस संसार के कल्याण के लिए आपको इस सृष्टि पर रहना ही होगा। ये मेरे आग्रह की रेखा है। आशा करता हूं कि आप सभी इसका मान रखेंगे। देवी पार्वती, आप अपना कर्तव्य निभाइए, अपने दिए वचन की लाज रखिए। मान जाओ पुरुरवा, शिव शक्ति को भिन्न करना महापाप है। संसार सदा तुम्हें कोसेगा, अपराधी मानेगा। नहीं देवी पार्वती, मत लीजिए, रुक जाइए देवी, रुक जाइए, रोक लीजिए महादेव, माता पार्वती को रोक लीजिए महादेव, रोक लीजिए महादेव, रुकिए देवी पार्वती को। पुरुरवा, यदि तुम्हारी आस्था सच्ची है और तुम सच में मुझे अपना आराध्य मानते हो तो प्रतिशोध को त्याग, शिव का मार्ग चुनो। शिव और शक्ति का वियोग समस्त संसार को विरह की अग्नि में भस्म कर देगा। और यदि तुम अब भी अपने हट पर अड़े हो तो आज के पश्चात तुम मुझे कभी अपना आराध्य मत बोलना। अरे मूर्ख, क्यों अपने पाप में मुझे भागीदार बनाते हो? यदि आज तुम्हारे कारण देवी पार्वती संसार छोड़कर गईं, यदि शिव शक्ति भिन्न हुए तो आज के बाद मुझे अपना मुख मत दिखाना, कभी अपना परनाना मत कहना पुरुरवा। मैं क्या ये पूरी सृष्टि तुम्हारा, परिवार तुम्हारा परित्याग कर देगा? फिर अकेले चलते रहना अपनी प्रतिशोध की अग्नि में। देवी पार्वती, देवी पार्वती, देवी पार्वती। क्षमा के योग्य तो नहीं हूं, फिर भी हाथ जोड़कर पश्चाताप करता हूं। प्रतिशोध की अग्नि ने मुझे दृष्टिहीन कर दिया था, सत्य से वंचित कर दिया था, किंतु महादेव ने यह सच प्रमाणित कर मेरी आंखें खोल दी। बिना स्त्री शक्ति के, बिना स्त्री तत्व के, बिना जगत जननी आदि शक्ति स्वरूपा पार्वती के, ना केवल शिव बल्कि ये सारा संसार भी अधूरा है, संसार भी अधूरा है, संसार भी अधूरा है। मैं पुरुरवा देवी पार्वती और महादेव को अपने दिए हुए वचन से मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ। अपने शक के बंधन को तोड़ता हूँ,
स्वभाव ढालने में सरल किंतु बदलने में सबसे कठिन। किसी के मुख से पुष्प झड़ते हैं तो किसी के मुख से अंगारे। संसार के हर प्राणी का स्वभाव भिन्न होता है। हम पर्याय स्वभाव पर इतना ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि हमारा स्वभाव तो ईश्वर की देन है। स्वभाव ही वो नींव है जिसके आधार पर चरित्र का निर्माण होता है। स्वभाव से ही हम संपूर्ण संसार में कद और पद प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को शांत और शीतल रखें, चरित्र स्वयं गुणवान बन जाएगा।